बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में चिंतन नामक एक युवक रहता था। उसके साथ आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती। वह किसी एक का समाधान करता तो दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती। कभी पारिवारिक तो कभी व्यवसायिक समस्या से वह ग्रसित रहता था। इन तनावों से घिरा देखकर उसके मित्र ने कहा कि नजदीक के एक नगर में एक सिद्ध बाबा आए हैं, तुम उनसे जाकर क्यों नहीं मिलते, शायद तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए। वह बात मान गया और बाबा जी के शिविर में जा पहुंचा, जिसमें कई घोड़े, ऊंट और बहुत ही बड़ी संख्या में उनके अनुयायी थे। यह देखकर चिंतन को यकीन हो गया कि लगता है बाबा जरूर उसकी समस्या का निदान करेंगे, ये तो वाकई सिद्ध पुरुष है। चिंतन भी जाकर कतार में खड़ा हो गया, पर कतार इतनी लंबी थी कि चिंतन का नंबर आते आते देर शाम हो गई। जब चिंतन बाबा जी के समक्ष पहुंचा तो उसने बाबा जी को प्रणाम करके अपनी सारी समस्या उन्हें बतलाई। चिंतन की समस्या सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और कहा, आज तो काफी देर हो चुकी है और अब हमारे ध्यान लगाने का समय है, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी समस्या का समाधान कल प्रातः बताऊंगा। चिंतन मान गया। तब बाबा जी ने चिंतन से कहा कि क्या आप मेरी आज रात एक सहायता करेंगे। चिंतन ने कहा, आज्ञा दीजिए। तब बाबा जी ने कहा कि हमारे ऊंट का ध्यान रखने वाले कामगार का स्वास्थ्य खराब है, अगर आप कोई आपत्ति ना हो तो आज हमारे ऊँटों के भोजन का ध्यान आप रख लें और रात को जब सारे ऊंट बैठ जाएं तो आप भी सोने चले जाना, हम आपके रहने और सोने का प्रबंध कर देते हैं। यह सुनकर चिंतन ने कहा, ठीक है बाबा जी, जैसे आपकी आज्ञा। चिंतन जब ऊँटों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 100 से भी ज्यादा ऊँट है। पहले तो वह थोड़ा घबराया, फिर बाबा जी के शिष्य की मदद से उसने ऊँटों को खाना खिलाया और ऊँटों के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही किसी ऊँट को नींद आती वह बैठ जाता। बाबा ने चिंतन से कहा था, जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब सोने चले जाना। कुछ ऊँट बैठे थे लेकिन कुछ खड़े थे। उसने देखा सभी ऊँट बैठ ही नहीं रहे हैं। अब चिंतन उन ऊँटों को जबरदस्ती बैठाने लगा। कुछ ऊँट तो चिंतन के प्रयास के कारण बैठ जाते लेकिन कुछ शोर के कारण वापस खड़े हो जाते। ऐसा करते करते सुबह हो गई। बाबा के ध्यान से बाहर आते ही चिंतन उनके सामने पहुंचा और सारी बात उन्हें बतलाई और झुंझला के बोला कि बाबा जी सोना क्या, मुझे तो ठीक से बैठना भी नसीब नहीं हुआ, मैं सारे ऊँटों को बैठा ही नहीं पा रहा था, जैसे ही कुछ ऊँट बैठते तो कुछ खड़े हो जाते। यह सुनकर बाबा हंसे और कहा, मुझे लगता है तुम्हारी समस्या का समाधान कल रात की घटना से ही मिल गया होगा। चिंतन ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बाबा ने कहा कि जैसे कल रात कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए और कुछ को तुमने बैठा दिया, लेकिन कुछ ऊँटों को बैठाने के चक्कर में तुमने कुछ बैठे ऊँटों को भी खड़ा कर दिया। ठीक वैसा ही तुम्हारी जिंदगी में भी होता है, कुछ समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम खत्म कर लेते हो और कुछ को तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। इससे अच्छा यह होगा कि तुम अपने जीवन को मजे से हंसी खुशी व्यतीत करो और जिन समस्याओं का समाधान तुम कर सकते हो उनका समाधान कर लो, जिनका समाधान नहीं कर सकते हो उनका मत करो और समय के साथ उन समस्याओं का समाधान होने दो। ऐसा करने से तुम दुखी नहीं रहोगे और जीवन का आनंद ले सकोगे। जीवन में कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका तुम चाहकर भी समाधान नहीं निकाल सकते, इसलिए व्यर्थ में अपना कीमती समय और संसाधन उन पर व्यर्थ मत करो। बाबा की बात सुनकर चिंतन बहुत खुश हुआ और अपना बाकी का जीवन वह चिंता मुक्त होकर आनंद से जीने लगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।